हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनोवेटिव आइडियाज़ पे। सो आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट बनाया जिसको आप इजीली बना के अपने इंस्पायर अवार्ड के लिए सबमिट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो भी डिटेल है, इसका सर्किट डायग्राम, कोड, सब कुछ मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से इसको ईजिली देख के बना सकते हैं, मतलब कोड को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर आर्डिनो का यूज़ किया तो इसमें कोडिंग करना ज़रूरी है। सो ये प्रोजेक्ट है आर्मी सेफ्टी प्रोजेक्ट। हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था तो आप सभी का कमेंट आ रहा था कि आपसे नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया है। सो इसमें हमने आर्डिनो का यूज़ किया है और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया है। तो ये इसका जो मेन बेसिक इसका फंक्शन है वो ऐसा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम एक गाड़ी ने, मतलब आर्मी के गाड़ी को फॉलो किया था, वहाँ पर वो गाड़ी ब्लास्ट हुआ था और आर्मी को भी मार दिए थे। सो ये ऐसा रहेगा कि एक गेट रहेगा वहाँ पे, तो गेट में से जो भी गाड़ी क्रॉस होगा उसको वहाँ पे चेक करना होगा, और अगर कोई चेक नहीं कराता है और भाग के जाने की कोशिश करता है तो उस टाइम क्या होगा, तो उस गाड़ी के लिए जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली सामने से ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम काम करेगा। और अगर वो चेक कराता है तो रास्ता नॉर्मल रहेगा, गाड़ी सिंपली जा पाएगा, और अगर चेक नहीं कराता है तो उसके लिए जो रास्ता है वो सामने से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है, आप इसको बना के इजीली बना सकते हैं और इंस्पायर अवार्ड के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ पार्ट मिस कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्डिनो का ज़रूरत पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक आर्डिनो उनो का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हमें चाहिए एक 9 ग्राम का माइक्रो सर्वो मोटर। इसके बाद हमें चाहिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर जिस पर ऑलरेडी मैंने 4 वायर्स कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद हमें चाहिए एक 9 वोल्ट की बैटरी इसके कनेक्टर के साथ, एंड हमें चाहिए होगा एक पीजो बाजर जो कि 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया है, एक प्रोटोटाइप है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने प्लाईवुड का यूज़ करके बनाया है और यहाँ पर मैंने सर्वो मोटर को फिक्स किया हुआ है जो कि जो रास्ता को ब्लॉक करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पार्ट को ऊपर भी आता है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लिख के रखा है। और ये टोटली मैंने प्लाईवुड से बनाया है जिस पर मैंने ब्लैक चार्ट पेपर को चिपका दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पार्ट को मैंने किस टाइप से यहाँ पे लगाया है, एकदम सिंपल है, आप इसको इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। सो इस सेंसर पर 4 पिन रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रिगर और इको पिन्स। तो सबसे पहले जो ग्राउंड पिन से उसको हमने आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आप इस पर जंपर वायर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो इसका इको का वायर है उसको हमने लगाया है डिजिटल पिन नंबर 8 के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो वायलेट कलर का वायर हमने यहाँ पर पीछे लगाया है, इसके पीछे साइड में जो टर्मिनल रहता है। इसके साथ जो ट्रिगर है वो हमने लगाया है आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 के साथ, और जो VCC है वो हमने लगाया है 5 वोल्ट के साथ। यहाँ पर मैं आपको उल्टा करके भी दिखा देता हूँ कहाँ पर मैंने सोल्डर किया है, आप देख सकते हो इस टाइप से। सो अभी हमें बजर को कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो बजर का पॉजिटिव है वो हमें लगाना है डिजिटल पिन नंबर 13 के साथ, और बजर का जो नेगेटिव है वो हमें लगाना है ग्राउंड के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो अभी मुझे आर्डिनो पे पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का स्लॉट दिखेगा, यहाँ पर आप 12 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हैं, और इसके साथ यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर IC लगा है जो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पर 9 वोल्ट का यूज़ करेंगे तो इसको 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने नीचे मेंशन किया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे हमें 2 वायर्स को सोल्डर कर लेंगे। जो हमने 9 वोल्ट का बैटरी का क्लिप लिया था वहाँ पे हम इसको इस टाइप से सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हम आर्डिनो को ऊपर में फिक्स करेंगे, नीचे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें रीसेट बटन पे क्लिक करना है इस गेट को डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर हम सर्वो का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वो मोटर में 3 वायर्स रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जो ऑरेंज कलर का येलो टाइप का वायर है ये रहता है इसका सिग्नल का वायर। तो सर्वो मोटर का पॉजिटिव लगेगा 5 वोल्ट में, यहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे, नेगेटिव लगेगा ग्राउंड के साथ, और इसका जो सिग्नल का वायर है वो लगेगा डिजिटल पिन नंबर 7 के साथ। यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हो। अब ये जो आर्डिनो बोर्ड है इसको हम यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करके फिक्स कर देंगे इस टाइप से, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सेंसर को फिट किया हुआ, मैं आपको पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो बैटरी को भी मैंने कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे कोई स्विच का यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो स्विच ऐड कर सकते हो। तो जैसे अभी हम सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो यहाँ पर सर्वो और बजर अलर्ट होता है, मतलब बजर घूमता है, बजर आवाज़ करता है, सर्वो घूमता है, और रिसेट पे दबाने के बाद सर्वो फिर से अपने जगह पर जाता है। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो गया है कि सर्वो जो है यहाँ पर हमने उल्टा लगा दिया है, उसको हमने दूसरी साइड लगाना है। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया है और इसको हमें दूसरी साइड लगाना है। सो उसके लिए जो सर्वो का वायर है उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ इस वायर। सो यहाँ पर मैंने वायर को एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पर मैंने सिंपली 3 वायर्स लिया है और इसके साथ मैंने लगा दिया है, सेम कनेक्शन है,
और इस पार्ट पे हम एक ब्लैक चार्ट पेपर फिक्स कर देंगे ताकि अच्छा दिखे। आप देख सकते हो इस टाइप से। और यहाँ पर मैंने बैटरी भी फिक्स कर दिया है, स्विच यूज़ नहीं किया है। इस टाइप से मैं इसको ओपन और क्लोज करूँगा, स्विच के तरह ये काम करेगा। तो अभी सर्वो को हमें नीचे से लेके जाना है और दूसरी साइड हमें इसको फिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से। मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा किस टाइप से इसको हमें फिट करना है। सो यहाँ पर हमें सर्वो को ग्लू गन से इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है और इसका जो सामने का जो ये वाइट कलर का चीज़ रहता है इसको मैंने ओपन किया है। और यहाँ पर हमें एक थ्रेड से इसको पहले बांधना है, यहाँ पर एक गांठ लगानी है। तो यहाँ पर मैं थ्रेड का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने थ्रेड को यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम एक नुकीली चीज़ लेंगे, आप कोई सा भी इसको चीज़ से ले सकते हो नुकीली सा। और यहाँ पर हमें एक होल करना है, ठीक है, इस पार्ट पे आप ध्यान से करना। हमें एक बस छोटा सा होल करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें थ्रेड को यहाँ से यहाँ पे बांधना होगा। इसके बाद ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सर्वो को ऑन करके देखेंगे कहाँ पे जाने से ये कितना उठेगा, सब कुछ हमें देख के अपने हिसाब से इसको बांधना है यहाँ पर। और ये जो थ्रेड है इसको हमें जो हमने होल किया था वहाँ से इसको नीचे पास करना है और यहाँ पर हम फेविक्विक से चिपका देंगे इसको। तो अभी मैंने पावर को ऑन किया है और जैसे मैं ऑब्जेक्ट लाता हूँ तो ये सर्वो घूमता है। तो कितनी घूम रहा है यहाँ पर हम इसको इस टाइप से फिट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम थ्रेड को खींचेंगे और इस पर हम सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये मतलब जैसे ही सर्वो घूमेगा तो इस पार्ट को भी लेके उठेगा, रोड पर जाके रास्ता को ब्लॉक करेगा इस टाइप से। सो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ से। मैं आपको ये घुमा के दिखा देता हूँ। एक साइड में हमने सर्वो लगाया जो कि रोड को उठाएगा और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो उनो और एक बैटरी हमने यूज़ किया है। और इसका जो गेट की तरह है वहाँ पर हमने आर्मी कैंटोनमेंट लिख दिया है ताकि ये दिखने में पहचान में आएगा ये किस टाइप का मॉडल है। तो यहाँ पर मैंने स्विच यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली मैं जो वायर कनेक्टर है मतलब जो बैटरी कनेक्टर वो उसको लगाऊंगा तो ये स्विच की तरह काम करेगा। और यहाँ पर आर्डिनो पर लाइट आया, आप देख सकते हो। तो अभी जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से पास होगा मतलब बिना परमिशन के लेके कोई जाएगा तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको ये स्विच ऑन करके रख देंगे। जैसे वो भागेगा तो उसके सामने रोड ब्लॉक होगा, मतलब वो भाग नहीं पाएगा। सो अभी रास्ता ब्लॉक है तो कोई भी इसको अनब्लॉक नहीं कर सकता सिक्योरिटी गार्ड के सिवा। तो यहाँ पर ये जो रीसेट बटन है ये उनके घर में रहेगा, यहाँ पर एक छोटा सा रूम रहेगा, तो जैसे ही वो दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली रास्ता डाउन हो जाएगा। तो कोई भी गाड़ी सिंपली जा सकता है, जो भी इसको भागने की कोशिश करता है उसके लिए रास्ता ब्लॉक है। और ये सिर्फ डाउन सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकते हैं, जो उनके अंदर जो सिक्योरिटी रूम रहेगा वहाँ पर ये रीसेट बटन रहेगा जिस पे प्रेस करेंगे तो ये रोड फिर से डाउन होगा और गाड़ी जा सकता है। सो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई किसी गाड़ी ने चेक कराया है तो वो गाड़ी एकदम सेफ है, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो स्विच है उसको ऑफ कर देंगे, मतलब ये सिस्टम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बैटरी कनेक्टर को सिंपली ओपन करना है तो ये सिस्टम ऑफ है, अभी कोई भी गाड़ी यहाँ से पास हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस टाइप की बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है। सो गाइज, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आर्डिनो का यूज़ किया था हमने, सो इसमें कोडिंग हमने किया है। सो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया किस टाइप से मैंने आर्डिनो को कोड किया है, और इसको मैंने अपने स्मार्टफोन से ही कोडिंग किया है। कैसे किया है उसकी पूरी डिटेल्स वीडियो मैंने एक बना रखा है अपने सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से उस वीडियो को देख के इजीली सीख सकते हैं किस टाइप से आर्डुइनो को कोडिंग करते हैं मोबाइल की यूज़ करके, ठीक। सो चलिए, हम मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।